छतरा में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा हुई शुरू। कांग्रेस देश की संस्कृति व संस्कार को बचाने का लड़ाई लड़ रही है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को चतरा शहर में शुभारंभ हुआ। यात्रा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, महिला नेत्री डॉक्टर मंजू शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे ने किया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत नए परिसदन भवन से हुई, जो जतराही बाग, केसरी चौक, गुदरी बाजार, मुख्य डाकघर होते हुए नगर भवन पहुंचा, जहां यात्रा सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान नफरत छोड़ो, देश जोड़ो समेत कई नारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर सत्ता में बना रहना चाहते हैं, जो देश के एकता व अखंडता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 75 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा चलाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की संस्कृति व संस्कार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। मंत्री ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना होने के बावजूद भारत की भूमि को चीन के कब्जे मुक्त नहीं करा पा रही है। गलवान घाटी में देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा व आरएसएस झूठ बोलकर सत्ता में बना रहना चाहती है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का चश्मा चुराने वाली पार्टी सत्ता अभियान की बात कहते हैं। घटिया सोच रखने वाले भाजपा के लोग झूठ बोलकर देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी के कारण लोग परेशान हैं। महंगाई के कारण लोग अपने माता पिता को साथ नहीं रख पा रहे, बच्चों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे। महंगाई के कारण परिवार बिखर रहा, नफरत की वजह से समाज टूट रहा। पीएम नरेंद्र मोदी अंग्रेजों के फूट डालो, शासन करो की नीति पर चल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए नफरत फैला रही है। इसे देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। हर पंचायत में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री के अलावा कई ने संबोधित किया। मौके पर बद्री राम, हाजी साबिर हुसैन, ओम प्रकाश पाठक के कोशर, नसरुद्दीन अंसारी, राजवीर धीरज अम्बेडकर, जावेद पप्पू रजा, संतोष केशरी, मुबारक अंसारी, आवा ओझा, रियासत अंसारी, संजय जायसवाल, बजरंगी कसेरा समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। चतरा से संवाददाता मोहम्मद तस्लीम की खास रिपोर्ट। जी सर, चतरा आज आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये देश हमारे वीरों का देश है, सूफी संत महात्माओं का देश है। ये देश में जिस तरीके से हमारे वीरों ने, सूफी संतों महात्माओं ने अपनी कुर्बानी और बलिदानी देकर इस देश को बनाया, बचाया, आज़ाद कराया, आज देश जो है, जो देश विविधता में एकता के नारे को बुलंद करता हो, जो देश गंगा जमुनी तहजीब को बुलंद करता हो, जो जिस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में प्यार और विश्वास से रहते हों, और यदि उस देश में देश की सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत पैदा करके, एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करके लोगों को लड़वाने का काम करेंगे, लोगों में एक फसाद पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी और कुर्बानी दी है, उन लोगों का ये धर्म और दायित्व तो है कि इस देश को बचाना है, इस देश को बनाना है, इस देश में अखलाक मोहब्बत पैदा करना है, इस देश में प्रेम और विश्वास पैदा करना है। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ये देश कैसे चलेगा? इसलिए हम लोगों ने इस देश में, हमारे सूफी संत महात्माओं ने कुर्बानी दी है, कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, और आज जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है,
और एक ऐसे माहौल को पैदा किया जा रहा है जिस माहौल से इस देश की जो है अस्मिता को, एकता को, अखंडता को, इस देश का आइन को, अमन को, अखलाक को, मोहब्बत को चोट पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर देश के उन लोगों को आज आगे आना होगा जो लोग इस देश को प्रेम विश्वास में लाना चाहते हैं, उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नारे को बुलंद करते हैं। और हम ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है, और जब कातिल निकले सड़कों पर मुंशी भी घबराने लगे, और जब अपने ही आप आग लगाने लगे, तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाम को जगा भी रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है, सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा है, और गंगा जमनी तहजीब को, आपस के प्रेम को, भाईचारगी को पुनः जीवित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए हम आज चतरा में आए हैं। सर, कई लोग का कहना है कि आप चतरा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से क्या? देखिए, अभी तो समय है और निश्चित रूप से चतरा में लीडर विहीन हो गया है। यहाँ के सांसद जो हैं, यहाँ विस्थापन से समस्या से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ का दंश झेल रहे हैं, NTPC हो या CCL हो, जो भ्रष्टाचार अत्याचार जो हो रहा है विस्थापन के मुद्दे में, इससे चतरा के एक एक जन तक लोग जान रहे हैं, जो कि CCL और NTPC पार्लियामेंट में उठाने वाली मामला है, लोग बेवजह जेल जा रहे हैं, बेवजह केस खा रहे हैं, और इसके चलते जो है यहाँ लोग त्रस्त हैं, यहाँ के जनता, और यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, और हम लोग तो आंदोलन के उपज हैं। आज हमारी बेटी बड़का गाँव में विधायक है, हम भी बड़का गाँव से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, हमारी पत्नी विधायक रह चुकी, और हम लोग जो जन आंदोलन छेड़ा वहाँ पर, उसका असर जो है चतरा जिला पे भी पड़ा है। आज NTPC का मुआवजा यहाँ पर भी बढ़ा है, और पार्टी ने अगर हमको जिम्मेवारी दिया तो निश्चित रूप से यहाँ फाइनल गोल मारना है, कोई लीडर नहीं है, और निश्चित रूप से यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ का MLA हो सिमरिया का या सांसद, ये इन लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। आने वाले दिन में कांग्रेस का यहाँ परचम लहराएगा और कांग्रेस की जीत पक्की है। देखिए, समाज तो मेरे साथ है, समाज के हमारे लोग काफ़ी BJP में है। हमने पिछले दिन भद्रकाली पूजा करने गया था और वहाँ पर सारे समाज के लोग भी आए थे, और सारे समाज के लोग BJP में जो है निश्चित रूप से मेरे आने के बाद वो मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे वोट से तो यहाँ लोग जीत रहे हैं। भाजपा का अधिकतर वोट हमारे समाज का ही जाता है, और वो वोट जो है सो निश्चित रूप से एक ब्रेक लगने का काम करेगा और कांग्रेस यहाँ परचम लहराएगा।